अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकैया, किचन क्राफ्ट में खुश आमदीद। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई चिली चिकन विद फ्राइड राइस। चलो जी शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है, जिसे मैंने जूलियन कट में कर लिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, नमक हमारा जाएगा हसबे जायका, और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून वाइट सिरका, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमारे पास हॉट सॉस यानी चिली सॉस है हमारे पास, ये इसमें जाएगा। 2 टेबल स्पून ऑयल ये डालेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, और 2 टेबल स्पून सिंपल फ्लोर यानी मैदा, ये इसमें चला जाएगा। 1 अंडा ये इसमें डाल देंगे। चलें जी, इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे मिक्स करेंगे। चलें जी, ये अच्छा से मिक्स हो गया, इसे बस अब हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल अच्छा से गर्म हो गया, बस अब इसे हम फ्राई करते हैं। इस तरह हम एक एक पीस उठा के ऑयल में डालते जाएंगे, बस फ्लेम हमारी मीडियम पर ही है। सब एक साथ नहीं डालेंगे, वरना ये सब जुड़ जाएंगे, इस तरह हमने सिंगल सिंगल करके डालना है। बस इन्हें निकालते जाएंगे, जिन पे कलर आ गया है उन्हें हम निकालते जाएंगे, अब बाकी डाल देंगे, उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसमें हम एकदम स्पून नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा इसको पकने देंगे, उसके बाद हम स्पून चलाएंगे। चलें जी, इस पर हमारा बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, बस इसको हम निकालेंगे और चूल्हे को करेंगे ऑफ। अच्छा जी, अब हम एक पैन और लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ये चला जाएगा, बस आधा मिनट इसे पकाएंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दूंगी, और 1 टीस्पून चिली सॉस डाल दूंगी, बस इसमें अब हम ये चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था, इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये 7-8 ग्रीन चिली थी, जिसे मैंने ये जूलियन में काट लिया है, ये इसमें चली जाएंगी, क्योंकि हम चिली चिकन बना रहे हैं तो चिली तो फिर जाएंगी इसमें। बस इसे एक आध मिनट पकाएंगे, और बस फिर इसे हम साइड पे करेंगे, क्योंकि इसमें हमें पकाने की ज़रूरत तो नहीं है, ऑलरेडी हमारी हर चीज़ पकी हुई है। चलें जी, बस ये रेडी हो गया है, इसे साइड पे करते हैं। अच्छा जी, अब फ्राइड राइस रेडी करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। यहाँ पे 2 अंडे हैं, इन्हें फेंटेंगे। इसमें मैं हल्का सा ज़रदा रंग डाल दूँगी, और 1 चुटकी काली मिर्च, बस ये इसमें डालेंगे। इसे ज़रा पकने देंगे, इसमें स्पून नहीं चलाएंगे, कि हमें इसके थोड़े से बड़े पीस चाहिए। एक रेडी हो गया है, ये देखें, इस तरह हमें इसके थोड़े से बड़े पीस चाहिए, बस इसे निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 1 टेबल स्पून दोबारा डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मेरे पास 4-5 लहसुन की कलियाँ थी, इन्हें मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे इसमें। लहसुन को लाइट ब्राउन करेंगे। लहसुन लाइट ब्राउन हो गया है, यहाँ पे मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं, 1 कप शिमला मिर्च है, 1 कप गाजर है, 1 कप बंद गोभी है, 1 कप मटर है, इन्हें हमने बॉईल कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये सब इसमें चली जाएगी। 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ये इसमें डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस, इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे, अगर लो फ्लेम पर पकाया तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। यहाँ पे मेरे पास ये 2 चिकन के क्यूब हैं, इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाएं। क्यूब गर्म पानी में मेल्ट हो गए हैं, ये मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी।
यहाँ पे मेरे पास 3 कप बॉयल चावल हैं, इन्हें हल्का सा नमक डाल के इन्हें बॉयल कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। अंडा जो फ्राई किया था ये भी इसमें चला जाएगा। इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। राइस डन हो गए, इसे डिश आउट करेंगे। चलें जी, ये चिकन हमने रेडी किया था ये अब इसके ऊपर डाल देंगे। चले जी, हमारी ड्राई चिली चिकन विद फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो गए।